हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड हेल्दी। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अगर आप ऑलरेडी मेरी वीडियोस देखते हैं तो थैंक यू सो मच। और आज है 5 सितंबर, यानी के आज है टीचर्स डे। सो हैप्पी टीचर्स डे फ्रॉम माई साइड टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इसका पार्ट वन मैं बहुत पहले अपलोड कर चुकी हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाकर इस वीडियो को देख सकते हो। तो आज हम करेंगे पार्ट टू। 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, या हम कह सकते हैं कि अगर जब हमारा 1000 मीटर हो जाता है तो हमारा 1 किलोमीटर बन जाता है। इसी तरीके से 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, या 100 सेंटीमीटर में होता है 1 मीटर, और अगर हम किलोमीटर में सेंटीमीटर की बात करें तो 100000 सेंटीमीटर होंगे। ठीक है, तो आइए अब कन्वर्ट कैसे करते हैं वो सीखते हैं। चेंज इनटू मीटर्स और सेंटीमीटर्स। देखिए, अब हमें मीटर और सेंटीमीटर में इनको चेंज करना है। तो ये है 318 सेंटीमीटर। अब देखिए 318 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, कैसे पता चलेगा? देखिए, 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 3 मीटर में कितना हो जाएगा? 300 सेंटीमीटर। तो यहां पे देखिए 300 सेंटीमीटर तो कंप्लीट है, तो ये हो जाएगा 3 मीटर, और ये जितना बाकी रह गया, जैसे 18 रह गया, तो 18 सेंटीमीटर। इसको दूसरे तरीके से हम कैसे कर सकते हैं, जैसे ये हमारा है 2006, तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, किससे करेंगे? 100 से, क्योंकि इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर और सेंटीमीटर में, और हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो आप इसको 100 से डिवाइड करिएगा। ठीक है, देखिए अब इसको हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो 100 2 जा 200। ठीक है, अभी क्या, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया, अभी 6 ऊपर से आएगा नीचे, और क्योंकि 100 से 600 डिवाइड नहीं होगा, तो जब डिवाइड नहीं होगा तो हम क्या लगाएंगे उसके लिए? 0। तो कितना आ गया यहाँ पे? 20। तो जो ऊपर आएगा वो हमारा पूरा मीटर होगा, और जो रिमाइंडर बच जाएगा वो हमारा सेंटीमीटर होगा। जैसे 20 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, समझ गए? जो ऊपर आएगा हमारा क्वोशेंट आएगा वो होगा हमारा मीटर, और जो नीचे रिमाइंडर रह जाएगा वो होगा हमारा सेंटीमीटर। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट देखिए, ये वाला 7584। अब आप इसको डिवाइड करिए, 100 से डिवाइड करेंगे, 100 7 जा 700 584। ठीक है, हमने ऊपर से 4 को भी नीचे ले आए हैं, यहां पे इसको सब्ट्रैक्ट किया, तो 100 5 जा 500। ठीक है, तो यहां पे देखिए 84 रह गया, 84 हमारा क्या है? रिमाइंडर है, और क्वेश्चन हमारा है 75, तो 75 मीटर 84 सेंटीमीटर। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये बाकी दोनों आप लोगों के लिए है, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा इनका आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 2, चेंज इनटू किलोमीटर्स और मीटर्स। जैसे हमने ऊपर डिवाइड करके किया था, इसी तरीके से हम इसको भी इसी तरीके से कन्वर्ट करेंगे। अब याद रखिएगा कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो यहां पर हम 1000 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1000 3 जा 3000, और यहां पे 512 हमारा रिमाइंडर रह गया, क्योंकि अब 1000 के टेबल में तो ये आएगा नहीं, तो ये कंप्लीट है, ये क्वेश्चन जो है हमारा वो आ गया हमारा किलोमीटर, सॉरी 3 किलोमीटर 512 मीटर। ठीक है, इसी तरीके से 2 किलोमीटर 589 मीटर, 7 किलोमीटर और 4 मीटर, 4 किलोमीटर और 80 मीटर, ऐसे ही 6 किलोमीटर और 342 मीटर। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर हमें करना है ऐड, कैसे करेंगे? मीटर वालों को मीटर के नीचे लिखेंगे और सेंटीमीटर वालों को सेंटीमीटर के नीचे, 256 मीटर 49 सेंटीमीटर। इसी तरीके से 428 मीटर्स और 50 सेंटीमीटर्स, और इन्हें हम कर देंगे प्लस। याद रखिएगा, अगर यहां पे कोई कैरी वाला आता है तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे, इधर हम प्लस करेंगे। ठीक है, अब आप इसको प्लस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4th में हमें करना है सब्ट्रैक्ट, जैसे हमने पीछे किया था बिल्कुल इसी तरीके से। सो देखिए 48 किलोमीटर 655 मीटर। अब देखिए 9 किलोमीटर है, तो हम 9 किलोमीटर 48 के नीचे 9 लिखेंगे और 276 मीटर। इसके अलावा दूसरे तरीका भी है करने का, कि आप किलोमीटर और मीटर को ऊपर लिख लीजिए। जैसे इस वाले क्वेश्चन में
ये हो गया हमारा मीटर और सेंटीमीटर, तो मीटर है 93 और सेंटीमीटर 12। इसी तरीके से यहाँ 36 मीटर लिखा हुआ है, तो 36 मीटर को हम यहाँ पे लिखेंगे, और क्योंकि सेंटीमीटर गिवन नहीं है तो हम अपने आप से यहाँ पे 0 ऐड कर लेंगे। आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई करना है हमें, ठीक है। सो 58 किलोमीटर 423 मीटर को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो देखिए, 2 3 6, 2 2 4 और 2 4 8, ये हो गया 846 मीटर। अब किलोमीटर की बात करते हैं, तो 2 8 16, 1 यहाँ पे कैरी लग जाएगा, और 2 5 10 और 1 11, इस तरीके से करेंगे। अब आते हैं डिवाइड। देखिए 28 मीटर 56 सेंटीमीटर को हमें 2 से डिवाइड करना है। देखिए इसे सीखते हैं कि किस तरीके से करते हैं, ठीक है। आप इनमें थोड़ा सा गैप बना के लिखिएगा, और अभी यहाँ पे मीटर और सेंटीमीटर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए मीटर है तो मीटर को अलग से डिवाइड करेंगे, ये सेंटीमीटर है 56, इसको अलग से डिवाइड करेंगे। देखिए 2 1 2, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब 8 नीचे आ जाएगा, 2 4 8। देखिए यहां पर ये हो गया है कंप्लीट डिवाइड, तो ये हमारा आ गया 14 मीटर। अब 56 को हम पूरा लिखेंगे, यहां पे पूरा 56 को यहां पे लिखेंगे, और इसको फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे। तो 2 2 जा कितने होते हैं 4, और 2 8 जा 16, और जो 28 है ये हमारा आ गया सेंटीमीटर। सो इसका सही आंसर आएगा हमारा 14 मीटर 28 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, अदरवाइज एक और सम हम करते हैं। ओके, अभी हम ये वाला लास्ट वाला करते हैं, बाकी दोनों आप लोगों के लिए है। इनका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए ये लास्ट वाला करते हैं। सबसे पहले आप इस तरीके से लिख लीजिए, पहले हम मीटर वाला करते हैं। तो देखिए 8 4 जा 32 और 8 1 जा 8, ठीक है। यहां पे ये हमारा हो जाता है कंप्लीट, तो हमारा कितना 41 मीटर आ गया। अब हम सेंटीमीटर वाला करते हैं। देखिए 8 8 जा 64 और यहां पे ये कंप्लीट हो गया है, तो 8 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर कितना आएगा 41 मीटर 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सो आज की इस वर्कशीट में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊंगी मेजरमेंट ऑफ मास। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। टिल देन, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।